चलो उठाओ जरा, चलो उठाओ, तुम्हारे बस की है तो तुम उठा के बताओ जरा। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बस की है तो उठा के बता। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? चिल्लाने वाला तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? तो ये नेता बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। सत्ता का घमंड देखिए, सत्ता की गर्मी देखिए कि कैसे व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे कर्मचारी को धमका रहे हैं, उनका मोबाइल पटक रहे हैं और कार्रवाई में बाधा डालकर उसे रोक रहे हैं, और वो भी कहां, राजधानी में जहां सीएम खुद बैठते हैं। मामला शहर के एमपी नगर क्षेत्र का है, जहां नगर निगम कर्मचारी अवैध गुमटियों पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इसकी जानकारी जब बीजेपी नेता को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए, जहां मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नगर निगम के कर्मचारियों को धमकाते नजर आए। चलो उठाओ जरा, चलो उठाओ, तुम्हारे बस की है तो तुम उठा के बताओ जरा। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बस की है तो उठा के बता। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? चिल्लाने वाला तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने इस मामले का वीडियो बना रहे एक कर्मचारी का मोबाइल भी जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। हालांकि इस मामले की थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी नेता और अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों के विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा आरोप है कि अतिक्रमण का वीडियो बना रहे एक कर्मचारी का मोबाइल छुड़ाते हुए नेता ने कहा कि तू वीडियो बनाएगा। इसके बाद उन्होंने मोबाइल को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। जब कर्मचारी अपना मोबाइल जमीन से उठाने लगा तो नेता ने अपने पैरों से मोबाइल को भी कुचल दिया। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जब राजेंद्र बदतमीजी करते हुए नजर आए। इससे पहले 2022 में राजेंद्र ने एक गन्ने के रस का ठेला लगाने वाले युवक की पिटाई की थी, जिसके बाद इन पर FIR भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी राजेंद्र की अकड़ कम नहीं हुई, और अब इस वीडियो से यह भी साफ हो चुका है कि अब यह नेता बेखौफ और बेकाबू भी हो चुका है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।